कैसा लग रहा है? 5:55 भाई, मैं तो हाथी पकड़ लिया सीधा। ऐसे पकड़ने में तो कोई गन लग रही है। मैं ना वही सोच रहा था कि रेमिस्ट्रो का मास्क उतरता नहीं है क्या? पब्लिक रिएक्शन वीडियो आए तो 6000 लाइक्स होने चाहिए। तो कैसे हो भाई लोगों, एक बार फिर से आपका वेलकम है इस व्लॉग चैनल पे। मैंने बोला था कि मैं कंसिस्टेंट जो व्लॉग्स है वो बनाता रहूंगा, तो फिर देखो थोड़ा मतलब इतना भी नहीं, लेकिन ठीक है चलो। कल जो है शो है तो फिर उसका ही आपको सब कुछ मैं दिखाऊंगा। और पिछली वीडियो में जो किया था उससे कुछ अलग ही होगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं बना रहा हूं तो फिर ऑब्वियसली कुछ अलग ही करूंगा आज। चलो फिर मैं मिलूंगा आपसे अपने सुबह उठ के एक अजीब से थोबड़े के साथ में, और अगली क्लिप वही है। अब तो जैसा बचपन में फील होता था स्कूल जाने से पहले, वैसा फील होता है सुबह उठते उठते जब नींद उतने प्रॉपर घंटों की ना मिली, क्योंकि मुझे थोड़ा सोने मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 7 घंटे तो चाहिए होते हैं, तो उससे मेरी कम नींद हुई है। तो अभी उठा तो उतना मज़ा नहीं आया उठने में, लेकिन ऐसा भी मतलब बिल्कुल लिटरली वैसा भी नहीं है जैसे स्कूल में होता था, कि स्कूल जाने के लिए होता था कि बिल्कुल ही मैं तो ड्रामा भी करता था भाई, मतलब आँख वैसे बंद करके सोया रहता था मैं, मम्मी उठाने में है। और इतना जिद्दी था कि बाकी अब मेरे भाई बहन चले जाते थे और मैं इतने जिद्दी में लेटा रहता था। अब वो करने की उम्र है नहीं। 5:55 हो चुके हैं, वही अपने काम निपटाते हैं पहले। ये सुबह उठते उठते ये ज्ञान की बात और आ गई मुझे, तो बता देता हूँ आपको। अगर आपकी कोई ऐसी आदत है जो कि अगर आपकी आदत में है कि आपकी आदतें नहीं छूटती, तो सबसे पहली आदत डालना जब उठने का मन ना करे तभी दिमाग को समझा के उठो। मतलब मैंने ऐसा आज कोई संघर्ष नहीं किया, सिर्फ बता रहा हूँ। तो अगर इस छोटी आदत के ऊपर पहले आप जीत हासिल करोगे तो हो सकता है आपकी बाकी आदत भी छूट जाए, चाहे वो ज़्यादा गेम खेलने की हो, चाहे वो किसी भी तरीके की एडिक्शन हो, फ़ोन चलाने की हो, किसी का नशा हो सकता है, जो भी है। तो ये करके देखना, क्योंकि हमारा नेचर ही वैसे डेवलप होता है हमारी छोटी छोटी चीज़ों से, तो ये सच में फ़र्क पड़ता है इसका, तो ट्राई करना एक बार। मुझे अब जाके समझ में आता है कि भाई ये सुबह सुबह उठने को क्यों बोला जाता था हमें, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल दिमाग बिल्कुल खाली है, अभी इसमें बहुत कुछ भरना है। और रात होते हो तो उतना भर जाता है कि फिर सोचने का या फिर वो अपना जो डिसीजन मेकिंग है वो उतनी अच्छी नहीं होती, तो इसीलिए सुबह सुबह उठ के पढ़ते थे पहले। मैं सोचता था कि शायद दिन का टाइम बचाने के लिए सुबह उठ रहे हैं, कि सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। ये देखो यार मेरे चेहरे पे, मेरी आंखों से देखा जा सकता है कि जितनी मेरे को नींद चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। अगर सुबह सुबह आपको ऐसे फेस थोड़ा फूला हो, पफिनेस सी होती है, तो देखो ठंडे पानी से नहाया करो, सारा मामला जो है आपका सेट हो जाएगा। वो पफिनेस थोड़ी चली जाती है कि स्किन टाइट हो जाती है। मतलब हर किसी के लिए एडवाइस है, जैसे कॉलेज में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, कोई ऑफिस में जा रहे हो, तो ऐसे मुंह एकदम मोटा मोटा सा आता है, तो वो लगता है अभी उठ के आएगा, तो ये उसका है क्या। तो दिख रहा है क्या टाइम हो रहा है, दिख रहा है 6:22। और मैं पता क्या प्रेफर करता हूँ, मैं अपना जो अलार्म है ना वो अपनी घड़ी पे ही रखता हूँ, क्योंकि बिल्कुल हाथ पे ही होती है ना, तो ये बिल्कुल वाइब्रेट होती है और बजती है, तो नींद एकदम उठ जाती है। और ये मैंने ली थी तीन चार साल हो गए मेरे को, सैमसंग गैलेक्सी जब आई ही थी ऑलमोस्ट लॉन्च तभी हो गया, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4। थोड़ा समय से आज जल्दी है, 6:27 हो गए हैं, तो बस अब 2 मिनट हैं शो के लिए। और ये बज गए 6:30 और ये हम यहाँ पे हो चुके हैं शुरू। ओ अरे है क्या मजा है ऐसे आराम से बैठ के। वो वाला टाइम याद है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, कि जब WWE में पायरोज ही नहीं थे, तो ब्रॉक लेसनर भी अपना वो ऐसे एंट्रेंस पे ऐसे चिल्लाता था, इतना खाली लगता था वो पायरो के बाद। और समझ में आता तो अब बिना पायरो का कोई चक्कर नहीं है। रोमन रेंस अपने रेन में ही बूढ़ा सा हो गया। चल बुला दे रॉक को, अब ज्यादा टाइम मत लगा भाई। आज थोड़ा एक्नॉलेज मी अलग लगा रोमन रेंस का, ये कैसे टाइम पे ऐड डाला है बताया भी नहीं। Here comes the people's champ. ये आया अपने जलवे वाला रॉक, कपड़े देख रहे हम पहन लेना छपरी लगेंगे। और ये आज रोमन रेंस सोलो सिकोवा की तरह हरकत ना करे तो सही रहेगा भाई, तू भी चैंपियन है, थोड़ा रॉक के सामने खड़े हो। अबे रोमन भाई साहब आप भी बोल लो थोड़ा। अबे रोमन कुछ बोल ले भाई। ओए और मैं बोल रहा था रोमन अभी तक कुछ कह नहीं रहा भाई, मैं तो हाथी पकड़ लिया सीधा। अरे 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 पॉल एवन का चेहरा, माइक मांग लिया। रॉक भी सोच रहा है क्या किया इसने। Acknowledge कर लेगा। I acknowledge you as my tribal chief. ये रोमन रेंज की छाती ना जितनी थी अब डबल हो गई है। रे मिस्टीरियो के आने की खुशी में कुछ है मेरे पास, ये देखो ये क्या है। एंड कैन यू गेस ये क्या है।
तो स्मैकडाउन खत्म होने के बाद आते हैं इस पे भी। आरकेओ बहुत बढ़िया था। ओए होए लग जाते हैं अपने काम पे। ऐसे पकड़ने में तो कोई गन लग रही है। अच्छे कैमरा क्वालिटी की और लाइट की एक खासियत भी और एक नुकसान भी है। खासियत ये है कि अगर लाइट अच्छी है और कोई फिल्टर नहीं लगा, बिल्कुल रॉ तरीके से वीडियो आ रही है, तो चेहरा जैसा होगा वैसा दिखेगा। मतलब अगर अच्छा है तो अच्छा दिखेगा, और बुराई ऑब्वियसली है कि अगर बुरा है तो फिर पास पास के गड्ढे गड्ढे जो सब कुछ होते हैं जैसे भी है सब दिख जाते हैं। अगर वीडियो बनाने या फिर अपने आप को लाने का काम ना हो स्क्रीन पे तो फिर शायद इतना ध्यान ना दे बंदा अपने, मतलब अपनी बात कर रहा हूँ मैं, वरना लोग नहीं बोलेंगे अबे कैसा दिख रहा है ये। तो ये टाइम हो रहा है 10:13 और यहाँ पे हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा जो थंबनेल है वो भी फाइनल हो चुका है, और यहाँ पे जो हमारी वीडियो है वो भी अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे 8:30 से लगातार ढक 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 काम करके नॉन स्टॉप अगर बंदा चल रहा है तो इतना टाइम लग जा रहा है। बेसिक ये है कि बस पूरा फोकस से करना होता है। ये 1.5 घंटे का काम आराम से 4 घंटे का बन सकता है अगर मस्ती से करो तो। अभी ये जो मैंने अपने YouTube कम्युनिटी पोस्ट में और बाकी जो कुछ वीडियोज डाले इसमें मैंने अपनी फिटनेस के बारे में बताया, तो वो कंटेंट आ रहा है चैनल पे भाई, डाला है, इसीलिए डाला है क्योंकि मेरे को वैसा कंटेंट बनाना है, तो उसके बारे में आप टेंशन मत लो। और ये आ गया हमारे पास, क्या चीज है, समझ में आ रहा है कुछ? अभी इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या निकल रहा है। और कुछ कुछ लॉन्डो की फिजिक या बॉडी कुछ ऐसी होती है कि वो जब शर्ट या टी शर्ट पहनी होती है तो उतनी दिखती नहीं है। मैं भी उनमें से कुछ एक हूँ, और उसके पीछे रीजन ये होता है कि बंदा ज्यादा उस पर फैट परसेंटेज नहीं है, मसल्स बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है तो वैसे होता है। कभी कभी कोई बंदा बहुत ज्यादा लीन होता है और क्योंकि उसका फैट परसेंटेज कम होता है इसीलिए उसका दिखता नहीं है कुछ। फिर जब वो उतारता है तो उसकी डेफिनेशन दिखते तब पता चलता है कि हाँ भाई इसमें तो बड़ा माल मसाला है। मतलब मेरे अंदर इतना नहीं है, लेकिन उन लोगों के केस में बता रहा हूँ। लेकिन कौन सा दिखाने के लिए बना रहे हैं भाई, अपने लिए है, मजा आ रहा है। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मुझे तो, मैंने आपको बोला नहीं था कि 1 साल से मैंने चीजें जो है अपने पास मंगा के रखी हुई है, तो ये पड़ी उसमें से ये एक है। आज रे मिस्टर आए हैं और कुछ व्लॉग के लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ मतलब एंटरटेनिंग रखा जाए, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी दिखा रहे हैं। तो ये निकला इस झोले में से सामान, झोला बोलते हैं ना बिल्कुल हिंदी वाली भाषा में या बिल्कुल बोलचाल की भाषा में। तो ये पाउच है और अब तो आपको समझ आ गया होगा इसके अंदर से क्या निकला है। मैंने देखा नहीं अभी तक, अभी सामने पहली बार ही देखूंगा। एंड दिस इज द मास्क ऑफ रे मिस्टीरियो। और पहली बार मास्क आया मेरे हाथ में, और इसकी अरे यार अब आपके लिए भी तो वैसे ही होगा। क्या बोल रहा है, अब मैं कैसे बताऊं, जैसे आपने भी अभी तक देखा है तो टीवी में ही देखा है, अभी पहन के भी देखूंगा इसे कैसा लगेगा, फिट आएगा मेरे थोपड़े पे, नहीं देखो भाई। रे मिस्टीरियो के वैसे मास्क के बहुत सारे वर्जन है, लेकिन ये थोड़ा उनका, इस पे देखो पास से भाई 619 619 619 लिखा, थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये देखो ऐसा कुछ ये दिख रहा है, और क्वालिटी कैसे समझाऊं इसकी, अच्छा अंदर से समझ में आएगा, अंदर से नहीं देखा होगा ना कभी। ये देखो तो इसमें मतलब काफी वे बाहर से क्योंकि इतना चिकना चिकना सा होता है तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कैसा फिट होता होगा, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये। नॉट फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर्स, दिस इज अ टॉय। आप पहन के देखते हैं, चलो इसे अभी पहन के देख भी सकते हैं कि नहीं। अच्छा स्ट्रैप भाई ये देखो ये खींचने वाला है, पहले मैं खुद पहन के देखता हूँ फिर ऐसे नहीं, या इसी में देखूं, चलो इसी में देख के भाई, मुझे लग रहा है बहुत अजीब दिखने वाला हूँ क्योंकि मेरा जो सिर है ना वो बहुत अजीब है यहाँ से, मतलब ऐसे बिल्कुल तरबूज के जैसा। अगर मैं बिल्कुल बाल इसलिए मैं थोड़े लंबे रखता हूँ, अच्छे भी लगते हैं लंबे रखना, लेकिन इसलिए रखता हूँ क्योंकि यहाँ से ना बिल्कुल तरबूज जैसा सिर है मेरा। चलो सामने ही पहनता हूँ, अगर 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 सही तरीके से पहन लिया तो वीडियो में आ जाएगा, और नहीं पहना तो समझ लो कट गया, मैं वहीं जाके पहन के आया हूँ दोबारा, फट ना जाए बस। अरे भाई अबे सही है तो, मतलब हाँ इतना अजीब नहीं दिख रहा। अरे यार मैं तो लूचा डॉन लग रहा हूं पूरा। अरे यार ये तो सही लग रहा है, ओए ये तो किसी वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए भी अच्छा काम आ सकता है। चलो अपना पूरा सिनेमैटिक देता हूँ इस व्लॉग चैनल में, तो मैं ऐसी ऐसी पागलपंती कर रहा हूँ जो मैंने सोची भी नहीं थी करूंगा। ये देखो पीछे से, यहां से और यहां से, पास से ऐसे और पीछे से ऐसे, एक मिनट ऐसे खड़े होते हैं। आर ये वाइब लग रहा हूं मैं कुछ, यार ये पहना ना मैंने, मेरे पास रे मिस्टीरियो की एक टी शर्ट भी है जो WWE 2K की तरफ से मुझे मिली थी, 2K गेम की तरफ से। वाह यार आज स्मैकडाउन में आया रे मिस्टीरियो और मैं ऐसा आ रहा हूँ। यार देखो मेरी पूरी कोशिश चल रही है आप लोगों को एंटरटेन करने की। ओ बहुत कंफर्टेबल है यार,
मतलब बहुत ऐसा मस्त फील हो रहा है इससे। ओए इसको तो मैं पहन के भी जा सकता हूँ जब बाइक पे हेलमेट लगाता हूँ तो, और सोचो बाहर ऐसे घूम रहा हूँ मैं। क्या कहते हो इसके एक पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाऊँ क्या? बनाऊँ। हाँ इस वीडियो पे मुझे 6000 लाइक्स चाहिए। अगर 6000 लाइक्स आ गया तो भाई इसकी एक पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा मैं। ये देखो यार रे मिस्ट्रो का मास्क तो बहुत पॉपुलर है, एक बार वैसे भी दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। नाइस सही फिट है यार, ज्वाइन कर लूँ फिर हम मैं रे मिस्ट्रो की LWO को। मैं ना वही सोच रहा था कि रे मिस्ट्रो का मास्क उतरता नहीं है क्या, क्योंकि ऐसे करके तो कोई उतार देगा, लेकिन उसको उतारने के लिए बहुत मेहनत है। पहले तो यहाँ से खींचो, फिर उसके बाद ये नीचे दिख रहा है इतना बड़ा है, तो ये तो नहीं निकलने देगा। और यहाँ से भी पूरा अच्छे से कवर है। मैंने सही में सोचा नहीं था इतना बढ़िया होगा है मास्क, लेकिन बहुत सही लगा। मतलब ऑथेंटिक है इसलिए ऑथेंटिक वाली फील दे रहा है। क्या कीमत है इसकी वो लगा दूंगा अभी स्क्रीन पे यहाँ पे। ये देखो भाई पास से देखो इसे, क्या ही इसमें मस्त सा पैटर्न लुक बनाया हुआ है। ये देखो 619 कैसे कैसे लिखा है, और अंदर से जो मैं कह रहा था ना, ये देखो यहाँ से ये थोड़ा ग्लॉसी शाइनी जो भी इसको बोलना, सामने से वो मिस्टीरियो की आँखें, यही तो है बिल्कुल जो आइकॉनिक है ऐसे आँखों का। जब ये डिज़ाइन होता है तो बिल्कुल रे मिस्टीरियो वाला लगता है। और नीचे से ये, और यहाँ से ये, और ये देखो ये जिस पाउच में आया है वो भी काफ़ी, ये देखो इसमें ये जो इसको कसने का दिया है, ये जो डाला हुआ है डोरी धागा जो भी बोलना है ऐसे, ये भी थोड़ा शाइनी सा है। मेरा तो यार सिंपल सा ये सोचना रहता है कि मैं आपको अपनी वीडियोस में व्लॉग्स में स्पेशली बोर बिल्कुल ना करूं, और अगर बोर कर रहा हूं तो कुछ वैल्यूएबल या फिर इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको दूं। वो आपकी गलती, आपको बोरिंग लग रहा है, लेकिन वो है काम की चीज़ ही आपके, क्योंकि बहुत जनरल चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूं जो मुझे पता होती हैं। तो इसीलिए किसी ने मेरे से बोला था भाई आपने सुबह अपना मॉर्निंग वाला ही दिखाया उस वीडियो में, आज भी वैसे वही दिखाया, अपना फुल डे वाला बनाओ। तो ठीक है, धीरे धीरे करके जो चैनल पर सारा कंटेंट है उसको पुश करेंगे। और अगर आपको चाहिए कि इसकी एक पब्लिक रिएक्शन वीडियो आए तो 6000 लाइक्स होने चाहिए। आइडियाज आगे देना जरूर भाई कमेंट में, क्या मुझे करना चाहिए इस व्लॉग चैनल पे, चाहे वो WWE थीम बेस्ड ही क्यों ना हो। ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ रह भी नहीं गया इस वीडियो में बोलने के लिए, इस व्लॉग में बोलने के लिए। टाटा बाय बाय गुड बाय, लाइक वाइक जो भी करना सब कुछ कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।